बीते कल प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर उपसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति लगभग 12 करोड़ की निकल कर आई है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास करीब 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह जानकारी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी की ओर से दाखिल हलफनामे में सामने आई है। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी और उनके पति की संपत्ति का सार्वजनिक रूप से खुलासा हुआ है। प्रियंका गांधी की सबसे मूल्यवान संपत्ति शिमला के पास 12,000 स्क्वायर फीट का फार्म हाउस है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 5.64 करोड़ रुपए बताई गई है। उनके पास एक होंडा सीआरवी कार भी है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है, जिसे उन्होंने अपने पति से गिफ्ट के रूप में पाया है। इसके अलावा प्रियंका के पास 2.24 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड और 1.16 करोड़ रुपए के आभूषण है। प्रियंका के पास राहुल गांधी के साथ दिल्ली के मेहरौली में 2.10 करोड़ रुपए की कृषि भूमि भी है। हलफनामे के मुताबिक प्रियंका ने साल 2012 से 2013 में दाखिल उनके आयकर रिटर्न के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई को चुनौती दी है। इनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 15.75 लाख रुपए की मांग की थी। यह मामला अभी भी सीआईटी एक के समक्ष लंबित है। वहीं अब प्रियंका गांधी की संपत्ति पर भारतीय जनता पार्टी ने कई सवाल उठाए। पार्टी ने पूछा कि वाड्रा ने जो जमीन खरीदी है उसे खरीदने के लिए आय का जरिया क्या था। कांग्रेस महासचिव ने 12 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इस उपचुनाव से वो चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए पूछा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की कमाई का स्रोत क्या है। The question is, what is the source of income of Priyanka Vadra? साथ ही Priyanka Vadra की पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय शेयर मार्केट का शोषण करती है। Also, Priyanka Vadra's party has been the party which abuses the Indian stock market. ये वही वाड्रा परिवार है जिसने बड़े कारोबारी घराने के स्टॉक्स में निवेश किया था और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया था। And it's the same Vadra family which invest in stocks belonging to big industrial houses and invest in mutual funds. सवाल है कि वाड्रा और वाड्रा परिवार में ये पाखंड क्यों है? The question is why Mrs. Vadra and the Vadra family has this hypocrisy. इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की जनता वाड्रा से पूछ रही है कि हलफनामे के अनुसार उन्होंने साल 2013 में जमीन खरीदी थी, उस जमीन की कीमत 5 गुना बढ़ गई है। वह जमीन खरीदने के लिए उनके पास आमदनी का जरिया क्या था? क्या वाड्रा जी अपने पति की तरह ही जमीन के संदिग्ध सौदों में शामिल है? द पीपल ऑफ इंडिया आर आस्किंग मिसेज वाड्रा दैट शी बॉट अ लैंड इन 2013 एज पर द एफिडेविट। द इनकम द वैल्यू ऑफ दैट लैंड has increased 5 times. What was the source of her income to buy that land? Is Mrs. Vadra involved in similar shady land deals as her husband? क्या वाड्रा जी अपने पति के साथ तब मिलकर काम कर रही थी जब मिस्टर वाड्रा एनसीआर के संदिग्ध सौदों में शामिल थे? इस तरीके के कई चुभने वाले सवाल प्रदीप भंडारी ने पूछे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।